हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिल तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की आपको हंड्रेड प्लस इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टेट एग्जाम में किस तरीके से चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो वहाँ जो आपके क्वेश्चन पूछे गए मैथ के वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हंड्रेड क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशियंट रहेंगे पेपर वन और टू के लिए दोनों पेपरों के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस हम कर रहे हैं ओके हमें आता है और एक ज़रूरत है सिर्फ हमें एक अच्छी सी रिविज़न की वो आप हमारे साथ कर सकते हैं मिलके डेली बेसिस पे आपको वन बाय वन क्वेश्चंस की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ साथ सबसे पहले एक काम करिएगा आप चैनल का जो वेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा जिससे क्या वो जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे बोला गया है यदि किसी संलम्ब की समांतर भुजाएं संबलम्ब यानी कि ट्रिपेजियम ट्रिपेजियम की जो पेलल साइड हैं वो आपको दे रखी हैं 12 मीटर और सिक्स मीटर ओके और बोला गया इस संबल्ब का जो क्षेत्रफल है यानी कि ट्रिपेजियम का जो एरिया है वो बर्ग के एरिया के बराबर है यानी कि स्क्वायर के एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपको दे रखा है फिर बोला गया उस स्क्वायर के समान है जिसका जो विकर्ड है यानी कि डायगोनल है स्क्वायर का वो सिक्स अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर है तो इस समलंब की समांतर बुझाव के बीच की दूरी यानी कि जो हाइट होती है वो आपको बतानी है सी टेट पेपर टू का ये क्वेश्चन है साथ साथ डिजिटे बदल कर ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट पेपर टू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे मैंसूरेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोला गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि समलंब का जो क्षेत्रफल है समलंब का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है आपसे क्वेश्चन में बोला गया समलंब का क्षेत्रफल इजिकल टू वर्ग का क्षेत्रफल अब देखिए समलंब का जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है वो आपका होता है वन बाई टू यानी कि समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग लिख लीजिएगा चलो यहां लिख दे रहा हूं ना यह समांतर है समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई यानी कि हाइट मान ले रहे हैं जो हमें निकालनी है ठीक है वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका जब आपका डायगोनल गिवन हो वर्ग का क्षेत्रफल जब आपका डायगोनल गिवन हो तो वो होता है आपका विकर्ड का स्क्वायर विकर्ड का स्क्वायर अपॉन टू ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर जब आपको डायगोनल गिवन हो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन टू अब कुछ नहीं करना डाटा गिवन है रख दीजिए और आंसर आ जाएगा तो ये हो जाएगी मेरी टर्म वन बाई टू मल्टीप्लाई समांतर हो जाए ट्वेल्व और सिक्स तो यहाँ लिखेंगे बारह और छः ओके मल्टीप्लाई आपसे ऊंचाई हाइट पूछी गई है विकर्ण आपका दे रखा है सिक्स अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू तो ये हो गया वन बाई टू मल्टीप्लाईज ट्वेल्व और सिक्स आपका एटीन होता है एटीन इंटू एच इजिकल टू स्क्वायर करेंगे सिक्स सिक्स ज थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स Into टू थ्री आप इसको लिख लीजिएगा ओके अपॉन टू अब करते हैं कैलकुलेशन तो देखिए टू से आपका ये नाइन टाइम कट हो गया नाइन से थर्टी सिक्स आपका फोर टाइम कट हो गया रिमेनिंग पार्ट आपका आ गया एच इज ईकल टू फोर मल्टीप्लाई थ्री डिवाइडेड बाई टू ओके अब टू से ये फोर भी कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम टू टाइम तो रिमेनिंग टर्म सिर्फ बचा टू मल्टीप्लाई थ्री दिस इज इक्वल टू सिक्स मीटर कितना आ गया आपका सिक्स मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ गया जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा तो मैंसूरेशन के इस तरीके से क्वेश्चन आपके इंटरनली रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इस तरीके का क्वेश्चन और भी आपसे पूछे जाते हैं तो बिकर्ड का रिलेशन था हो सकता है पैरीमीटर के रिलेशन आपके हो सकते हैं वो हम देखेंगे वन बाई वन आने वाली वीडियोज़ में तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो